दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सूर्या की पारी को देखकर पाकिस्तानी खिलाड़ी भी रह गए दंग। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी अपनी जबान खोल दी है। उन्होंने सूर्या की तारीफ में ऐसे पुल बांध दिए हैं जिनको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इतना ही नहीं, सूर्य कुमार यादव की पारी को देखकर सानिया मिर्जा के भी होश उड़ गए। उन्होंने अपने बयान में सूर्या को लेकर कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिरकार पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ सानिया मिर्जा ने सूर्य कुमार यादव को लेकर क्या बयान जारी किया, जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव, बाबर रिजवान और मोहम्मद रिजवान में कौन खतरनाक बल्लेबाज है? इस बात का जवाब नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला भारत ने 65 रन से जीत लिया। सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से धुल गया और मैच का टॉस भी नहीं हो सका। ऐसे में भारत ने इस मैच को जीतकर सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त बना ली है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव के चलते न्यूजीलैंड के सामने 192 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं न्यूजीलैंड के लिए टिम साउदी ने हैट्रिक ली और जिसके जवाब में कीवी टीम 18.5 ओवर में 126 रन ही बना पाई। जी हां, और ये मुकाबला 65 रन से हार गई। इस मुकाबले में जीत के बाद अब भारतीय टीम 2-0 से सीरीज जीतने के लिए आगे बढ़ेगी और अगला मुकाबला 22 नवंबर को होने वाला है और इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। तो वहीं सूर्या की बल्लेबाजी को देखकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ सानिया मिर्जा का बयान सामने आया, जिसमें पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अफरीदी ने कहा कि भारतीय टीम के लिए इस समय सूर्या सबसे बेहतर खिलाड़ी हैं और अगर सूर्या अर्धशतकीय पारी खेल देते हैं तो भारतीय टीम को जीत अवश्य मिलती है, अन्यथा भारतीय टीम की हार पक्की हो जाती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को अगर हराना है तो सूर्या को सबसे पहले आउट करना होगा और अगर आप सूर्या को आउट करने में कामयाब हो जाते हैं तो भारतीय टीम को आप आराम से हरा लेंगे। तो वहीं बाबर आजम ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम और पूरी दुनिया में नंबर 1 बल्लेबाज इस समय सूर्या है और सूर्या का क्रिकेट ही ऐसा है कि जिसके दम पर वो दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन चुके हैं। ऐसे में सूर्या को आउट करना बेहद मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए ये भी कहा कि भारतीय टीम को हराने से पहले आपको सूर्या को आउट करना पड़ेगा। अगर आप सूर्या को आउट कर देंगे तो मुकाबला आपके पक्ष में 100% चला जाएगा। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए सूर्या और कोहली सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन इस समय सूर्या से बेहतर बल्लेबाज पूरी दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि जिसका दिन बेहतर होता है तो किसी दूसरे खिलाड़ी का दिन बेहतर नहीं होता है। इसके अलावा उन्होंने आज बयान देते हुए ये भी कहा कि भारतीय टीम के लिए सूर्य कुमार यादव से बेहतर कोई भी खिलाड़ी नहीं है और भारतीय टीम को जीत चाहिए तो सिर्फ सूर्या का चलना जरूरी है। तो वहीं सानिया मिर्जा ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए सूर्या कुमार यादव का बेहतर प्रदर्शन करना काफी ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि अगर सूर्य कुमार यादव बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो भारतीय टीम को जीत मिल पाएगी, अन्यथा भारतीय टीम सूर्य के बिना हार जाती है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए ये भी कहा कि सूर्य का शतक लगाना एक अलग ही रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड पर पहुंच पाना किसी दूसरे बल्लेबाज के बस की बात नहीं है और मैं चाहती हूं कि सूर्या ताबड़तोड़ प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को लगातार जीत दिलाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम को अगले साल का वर्ल्ड कप जिता पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।